रोजगार पंजीयन में इन लोगों को बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। आपने क्या किया ऊपर, फिर ये स्लिप लेकर कुछ बोला उनसे? हाँ बोला सर, बोला कि नहीं दे वो, जो ये तो अयोग्य घोषित कर देंगे। चल रहा है कि जैसे मान लो आपका रोजगार पंजीयन आपने 2023 में रिन्यू कराया था जी, तो आपको आपका रोजगार पंजीयन जो 2023 वाला है ना वो भी लेके आना है, और जो 2026 तक का उसका नेक्स्ट रिन्यूअल वाला है वो भी लेके आना है। और जुलाई में फॉर्म भराए हैं। तुम्हारा क्या बोला, फॉर्म कब भरा था तूने जुलाई में? सर आप फॉर्म का वो ध्यान कर, ट्रांजेक्शन डेट दे वो है ना तुम्हारे पास में, फॉर्म तो 26 जून में होगा। अगर इन्हें जून में भर दिया होगा ना तो ये वैलिड के लायक, और अगर जुलाई में भरा होगा तो फिर इन वैलिड। तुम्हारा कब भरा था फॉर्म? 26 जून से हुआ तो ये 27 तारीख है। हाँ वही एक दिन है आपके पास, अगर वो देख लो, अगर आपने कब करा है ट्रांजेक्शन वो देख लो आपके फॉर्म का ट्रांजेक्शन डेट, और ये वैलिड आइजन नहीं है। आपने फिजिकल दिया, नंबर कितने बने? 55 बने। वो तो फार्म 23 नंबर उस टाइम पे जीवित नहीं था, फॉर्म भरा हुआ जो जिस टाइम पे था उस टाइम पे जीवित होना चाहिए। 2023 में आपका खत्म हो गया, जुलाई में फॉर्म भरा, ये भी वैलिड नहीं है। और ये वाला भी बात नहीं है, ये बात का है, ये वाला बात का है, अभी जो बना है ये बात का है, और ये पहले का है। इस बीच का जो था वो फॉर्म डेट थी ये डेट 8/7/23 जुलाई, ठीक है, दोनों टाइम से आउट है। जून में ही खत्म हो गया, एक महीने पहले ही खत्म हो गया, और ये एक महीने बाद बनाया, ये बीच का डिफरेंस है, इसको कैसे वैलिड करेंगे? रूल ऐसा है, ये नियम अगर आपका एक्सपायर हुआ, आपका फॉर्म भरने के बाद एक्सपायर हुआ है तो आप दूसरा बनवा सकते हो, पर आपका तो फॉर्म भरने के पहले एक्सपायर हो गया ना, फिर भी आप चाहो। और वो एक और बंदा था उसका क्या है? तीन साथियों आप देख रहे हैं 4 सेकंड फिजिकल जो रिव्यू है, कौन सी फाइल में दौड़े थे पहले तो ये बताओ। तीसरी फाइल थी, तीसरी फाइल वाले छोड़ दिए। तीसरी फाइल में बेस्ट स्कोर कितना रहा? बेस्ट स्कोर 80 था। वो तुम्हें पता है कुछ? 83 था। तुम्हारा कितना बना था? मेरा सर 63 का। 65 आपका? मेरा 55। रोजगार पंजीयन में इन लोगों को बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। आपने क्या किया ऊपर, फिर ये स्लिप लेकर कुछ बोला उनसे? हाँ बोला सर, आप कुछ भी माने नहीं कर रहे हैं, पर वो तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। दोनों आप लेकर आए थे रोजगार पंजीयन, जो पहले वाला था और अब सेकंड वाला था, तो उससे भी कोई माने नहीं कर रहे हैं। अब आगे क्या? वो तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। कुछ बोला उनने? कुछ बोलो, कुछ भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली फेल कर दिया, बाहर कर दिया गया, आप उनके हाथ में नहीं है सब कुछ। तो रोजगार पंजीयन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, सेम डेट का बना हुआ होना चाहिए आपका, अगर उस टाइम पे वैलिड नहीं हुआ जिस टाइम पे आपके एग्जाम फॉर्म डल रहे थे, वही है ना जी सर, एग्जाम फॉर्म वाले ही है ना मैटर। इसका डेट जो है राजा बाबू का, नया वाला कहाँ है? फॉर्म किस महीने में डलने लगा? 21/11/2023 का है इसका एक रजिस्ट्रेशन, फॉर्म डला था 8/7/23 जी, बड़ा जी बाद में। देखो तो इसका जो फॉर्म डला था वो डला था 8/7/23 को, और इसने जो रिन्यूअल करवाया वो करवाया 21/11/23 को, तो ये जो गैप हुआ, गैप होने की वजह से इनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाहर किया गया है। ये रोजगार वाली जो प्रॉब्लम्स है ये अधिकार कैंडिडेट्स के साथ आ रही है, अच्छी प्रैक्टिस करने वाले के साथ भी ये प्रॉब्लम्स आएगी, जब तक आपके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं होंगे आपको पुलिस वाला बनने में प्रॉब्लम्स आएगी। रोजगार पंजीयन खासकर सेम डेट का होना चाहिए भाई, आपका जीवित होना चाहिए जिस टाइम पर आपने फॉर्म डाला था तब का, अगर नहीं होगा तो आपको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। रिन्यू नहीं करा और नया मैंने बनवा लिया था, तो बाहर क्यों आया? फिजिकल विजिकल तो सब दे दिया मैंने, अपील भी करी मैंने, सब कंप्लीट हो गया। नहीं सुन रहा हूँ, बाहर क्यों आया? तो सर अभी हमारा कंप्लीट हो गया ना सर, फाइल नहीं तो साइन आइन नहीं करके आया मैं कहीं भी सर, मैंने मतलब मैं साइन आइन नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करके आया। तुम्हें भी रोजगार, तुम्हें बाहर क्या रोजगार है? फिजिकल में कितना स्कोर होता है? फिजिकल में सर मेरा कम हुआ, कितना? 140 बने सर, रिटर्न और फिजिकल में 140। तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट्स में? वो भी बाहर हुआ और बंदे हैं सर, सेम हमारा जून में एक्सपायर हो गया, और बोल रहे हैं। तो अपडेट कब करवाया था तुमने रोजगार पंजीयन? अपडेट तो मैंने दोनों लेकर आए, दोनों वाले लेकर आया था। फिर बोले जुलाई में होना चाहिए था आपका, बोले जब आपने फॉर्म भरा ना तब आपका वो नहीं था जी। नहीं फॉर्म भरा था सर जब तो जीवित था ना अपना, रिन्यू नहीं करवाया, जुलाई में फॉर्म भरा है अपना, जून में खत्म, जून से चालू हो गया तो फॉर्म भरना, तो फिर मानना चाहिए ना। लास्ट डेट नहीं सुन रहा हूं, ऑर्डर दिया सर, ये सारी चीजें आखिरी में कर रहा हूं बता सर, ये फिर बाद में जून 2023 तक, इसमें तो एग्जाम मई जून
जुलाई अगर जब तक तो सर फॉर्म भरा है तो फॉर्म ही नहीं भरा तक है ना ये तो नहीं फॉर्म भरा तो जीवित नहीं था ये जुलाई में फॉर्म भरा है फॉर्म कब भरा है 26 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 26 जून में एक्सपायर हो गया था ना ये तो ध्यान तेरा क्या है सेम वही जून वाली जून वो देखो आपकी फॉर्म डेट का भी ट्रांजेक्शन डेट देखो वो वाली स्लिप है 26 थोड़ा सा इसको कोर्ट में ले फॉर्म वाली डेट क्या है ये वाली स्लिप दी है ये वाली स्लिप पर इसका तो होगा इसका कितना इसकी भी तो जून में एक्सपायर हो रहा है कब डेट क्या है फॉर्म कब भरा वो देखो ना बना कब ऊपर वाली डेट देखना ये एक्सपायर हो गया था जून में 4 जून 2017 को रजिस्ट्रेशन हुआ था बना था और जून 23 में एक्सपायर होने का था इसका हो गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं 4 सेकंड फिजिकल। एमपी पुलिस का रिव्यू दे रहा हूं, सटीक रिव्यू। दो कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका? पवन सर। पवन, आपका? लोकेश सोमतिया। कैटेगरी क्या है आपकी ये बताइए? ओबीसी। आपकी कैटेगरी? एससी कैटेगरी। आज आपने फिजिकल में कितना स्कोर किया? मेरा 56 है। 56 का ओनली फिजिकल बना। एग्जाम में कितना नंबर आया? एग्जाम में 72 थे। 72। आपका कितना? 68। कैटेगरी एससी? आप एसटी कैटेगरी? एससी। शेड्यूल कास्ट से आप? मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि जब आपकी एंट्री हुई थी तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेक किया गया? कुछ भी ऐसा कोई खास चेक? रोजगार पंजीयन मांग रहे हो, पुराना वाला पंजीयन चाहिए पंजन। उनको जो 2013 में फॉर्म डाला था उसके पहले का चाहिए उनको, कोई सा नया अपडेट बना के नहीं दे वो जो ये तो अयोग्य घोषित कर देंगे। जैसे मान लो आपका रोजगार पंजीयन आपने 2023 में रिन्यू कराया था जी, तो आपको आपका रोजगार पंजीयन जो 2023 वाला है ना वो भी लेके आना है, और जो 2026 तक का उसका नेक्स्ट रिन्यूअल वाला है वो भी लेके आना। मेरा दोनों लेकर आना। मेरा इशू जो हो रहा था ना, आज मुझे अयोग्य कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप हमको 2026 वाला तो मैंने दिखाया उनको, मेरा नेक्स्ट रिन्यू वाले जी, पर जो 2023 वाला उन्होंने बोला कि वो भी लेकर आइए। देखो ये कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो इनने दिए, ये बता के नहीं भाई इससे क्या है कई लोगों को ना, सारे लेके आओ जितने डॉक्यूमेंट है सर सारे मंगवाइए। 2023 के बाद वाला अगर नया अपडेट कर लिया हो ना आपने, मतलब नया बनवा लिया हो ना, वो मान्य नहीं रहेगा जैसे। और हाँ, जुलाई तक का भी वो दिक्कत दे रहा है। जुलाई मान लो आप 10-7 के बाद वाला जो रोजगार पंजीयन है उसमें भी वो लोग दिक्कत दे रहे हैं, तो कोशिश यही करें कि जैसे जो आपका पुराना रोजगार पंजीयन है जैसे जो जून तक का है और अगली जो जून 2026 में खत्म होगा उस समय वाला रोजगार पंजीयन जरूर लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ये चीजें नहीं करेंगे रोजगार का। मेन उस समय पे इतना प्रेशर हो जाएगा अगर वो ऐसी डायरेक्ट पहले तो अयोग्य की सील लगा रहे हैं, उसके बाद में अगर आप लड़ोगे और आपका दावा स्ट्रांग है तब जाके आपको बोला जाएगा कि हाँ ठीक है ये बंदा योग्य है। आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुआ है तो भी तुम्हें हमारे बीच में तीन के साथ हुआ था, तीन जनों के साथ में साथ भी ऐसा हो रहा था थोड़ा सा। अब ये तो था डॉक्यूमेंट रोजगार पंजीयन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर मैं रनिंग की बात करूं, तीन इवेंट आपके थे, रनिंग था, लॉन्ग जंप था और शॉर्ट पुट था। तीनों इवेंट के अंदर किसी एक इवेंट के अंदर डिफिकल्टीज फेस करी आप? लॉन्ग जंप में। उसमें क्या है, जैसे पटिया है, पटिया पे लाल लाइन खींच के रखी है, ठीक है, चूना नहीं डाला हुआ इस बार, चूना नहीं डाला है, लाल लाइन है पटिया पे, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा भी लाल लाइन पे पैर जा रहा है, पटिया पे लाल लाइन है, आपने तीन अटेम्प्ट लॉन्ग जंप के किए, उसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट आपका फाउल था या फिर सेफ था? सेफ था। आपका तीनों ही सेफ थे, बस वो ध्यान रखना है कि भाई पीछे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर वो लाल उस पे आ गया पाऊं तो। हाँ वो तो अगर थोड़ा भी टच होता है, सोच रहे कि यार अपन पट्टी पे पैर रख लो, हाँ, पर पट्टी पे से थोड़ा सा भी लाल पे आ गया तो फाउल हो जाएगा। अच्छा, और कुछ स्पेशल सजेशन आपके दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बचे हैं जो फिजिकल है, अपने होम ग्राउंड पे जो भी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं जाएगी, उससे या तो कम जाएगी या उसके बराबर ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। आपने कहीं पे तैयारी करी थी? नहीं, हमारे खुद के ग्राउंड है शिप्रा में। शिप्रा में आपने खुद ने वहीं पर तैयारी करी? सब वहीं पे गोला फेंक लॉन्ग जंप सब वहीं होती है। अच्छा, वहीं पर छुपा रखे आपने, सबने वहीं पर ही तैयारी करी थी? कैंडिडेट थे, हमने सबने पैसे इकट्ठे करके वहीं पे सब करी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या लगता है आपको कि पुलिस की यूनिफॉर्म मिल पाई? सर ये है कि जो अभी सबका जा रहा है 65 भी इस पर हो गया ना, तो सेफ मान सकते हैं। फिर भी एक 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 अंदर से आत्मविश्वास रहता है कि यार इतना किया, 14 महीने का स्ट्रगल था, इस स्ट्रगल से कुछ तो परिणाम निकल के आता है, उसका मैं श्योर नहीं बोल सकता। श्योर नहीं बोल सकते आप लोग, कमेंट करके बताएं भाई कि हमारे जो भाई ने, एक तो आपको 60+2 को ही गए, केवल 60+2 ही गए, 10 में से 60 में। देखो ये भी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि 60 से ऊपर भी अगर जा रहा है ना तो वही व्यक्ति सेफ भी मान सकते हैं उसको। बाकी आप ये समझ लीजिए अभी स्कोर नहीं कर पा रहे। आपका ओबीसी में ओवरऑल कितना हो रहा है, फिजिकल और रिटर्न दोनों का? 56 हो रहा है। 72 हो रहा है। 72 है। अच्छा, और आपका 138 के समथिंग हो जाएगा। तो ये वो कैंडिडेट्स है जिनकी फाइल में हाईएस्ट स्कोर 60+ कोई नहीं गया,
किसी का पता कितना कितना था उनका आयु? 73 पे गया 73 और एक और 31 रनिंग में थे और एक और 31 उसमें थे। आपकी बैच में 63 आपकी सेम बैच थी दोनों की? सेम बैच थी, फर्स्ट बैच थी हमारी। बाकी के जो 8 कैंडिडेट थे उनके 60 से कम नंबर, 60 से कम है। ओके, दो तो जीरो पे गए हैं, दो जीरो पे भी रनिंग में। रनिंग में तो बहुत ज्यादा टाइम था। रनिंग में सर क्या है कि देखिए जो अच्छे से खींच रहा है या फिर आपको पहले आप खुद ही अपने एंड पे चेक कर लो कि शूज में अच्छे दौड़ पा रहे हो नंगे जी। आपको क्या लगता है ग्राउंड नंगे पैर दौड़ने लायक है या फिर बिना जूते से? जूते के लिए भी ठीक है और जूते के लिए भी ठीक है, जैसा आपने प्रैक्टिस करी वैसे दौड़े। धूल वाला है, थोड़ी सी नमी बनी हुई है। अगर आप नमी वाली ग्राउंड पे नंगे पैर दौड़ना चाहिए वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, और अगर आप जूते में दौड़ोगे तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों को, आपने रिव्यू दिया और ये इन्फॉर्मेशन दी, ये बड़ी बात है क्योंकि अधिकांश कैंडिडेट्स को ये नहीं पता है भाई एक ही सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स हैं। दोनों सर्टिफिकेट लेके जाना, जितने कागज हैं उतने सारे। थैंक यू, थैंक यू, भगवान करे कि आप पुलिस वाले बने। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत।